तब्दीली है जिहड़ी, वो संसार का नियम है। तब्दीली होने दे नाल एक नवी शेप आती है, तब्दीलियां चलदियां रहिंदियां, लेकिन ये जिहड़ी तब्दीलियां हुण हो रही ने इहदे मायने कुछ होर लिते जा रहे ने। पार्टी नूं, संगठन नूं ये जरूरत महसूस होंदी है, सरकार च भी जरूरत महसूस होंदी है कि इहनूं नवीं रंगत दित्ती जावे, नवीं शेप दित्ती जावे। जिहड़े विरोधी ने वो साफ कह रहे कि दिल्ली का शिकंजा पंजाब सरकार ते कसदा जा रहा है, पंजाब सरकार थोड़ी ज़्यादा कठपुतली बनती जा रही है। सोशल मीडिया का एक वर्ग है जिहड़ा इस तब्दीली नूं धक्का कह रहा है, हुण तुसीं दसो कि यह लाजमी है, जरूरी एक तब्दीली है कि एक धक्का है। पंजाब की सियासत जिहड़ी आ दिनां दे नाल बदलदी नज़र आ रही है, लगातार पंजाब सरकार दे विच तब्दीलियां हो रही ने, लगातार ये सुरखियां चलदियां पईयां कि पंजाब सरकार दे उत्ते दिल्ली का शिकंजा जिहड़ा उह कसदा जा रहा है। इस तरह क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, या क्यों ये चर्चावां चल रही हैं, इन्हां दीआं कुछ एग्जाम्पल्स आए दिन देखण नूं भी मिलदियां ने। जिवें हाल ही दे विच पंजाब दे चीफ सैकटरी नूं बदल दिता गया, अनुराग वर्मा नूं बदल के कैप सिन्हा KAP सिन्हा नूं अपॉइंट कर लिया गया, उन्होंने ये अहुदा दे दिता गया और ये वड्डी तब्दीली मनी जा रही है। हालांकि 2.5 साल दे विच तीजी वार चीफ सैकटरी नूं बदलिया गया अपने आप दे विच बहुत वड्डी गल है, और खास करके अचानक ये सारा कुछ क्यों हो रहा, कदी OSD कदी सलाहकार ते हुण चीफ सैकटरी। साढ़े नाल सीनियर पत्रकार डॉक्टर सुरेंद्र पाल मौजूद ने, उन्होंने गलबात करन दी कोशिश करदे हां कि वो किस तरह देख रहे। डॉक्टर साहब सब तो पहला समा दिता, पुछ बहुत धन्यवाद जी, सारे सत श्रीकाल। एडिया वड्डिया तब्दीलियां डॉक्टर साहब और दिनों की वस्ते उत्ते हो रही ने, ये कोई ऐ नहीं कि कोई गैप पैंदा पिया, चीफ सैकटरी भी हुण बदल दिते गए, दुबारा तीजी वार बदल दिते गए ने, किस तरह देख रहे हो? तीजी वार नहीं, शायद चौथी वार बदले, मैं हुण सुनदा पिया सी, क्योंकि पहला बने जदों पंजाब दे आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उदों अनिरुद्ध तिवारी सीगे, उस तो बाद VK जंजुआ आए, फिर अनुराग वर्मा आए, और अनुराग वर्मा तो बाद हुण कैप सिन्हा नूं लगाया गया। तब्दीली ना, तब्दीली परिवर्त जिहड़ा परिवर्तन है, तब्दीली है जिहड़ी, वो संसार का नियम है। तब्दीली होने दे नाल एक नवी शेप आती है, नवा उत्साह आता, नवा जज्बा आता, काम करन दा लगता है कि लोगों या जिहड़े ब्यूरोक्रेट ने हेठली पद्धर दे उत्ते काम करते हैं उन्होंने लगता है कि नवे बॉस आए ने, हुण सानू काम करके दिखाना पएगा। ये कल्ले पंजाब सरकार च नहीं, ये हर एक सैक्टर च है। जे अज मान लो पुड्डा का चीफ है नवा, जिदन नवा चीफ बैठेगा 2 महीने तो पूरी ब्यूरोक्रेसी नूं हाहाकार पई हुंदी है, गमाडा का चेयरमैन नवा आ गया जी, लग जाओ जी, फाइलां चक्को जी, पुराना बैकलॉग क्लीयर करो। तब्दीलियां चलदियां रहिंदियां, लेकिन ये जिहड़ी तब्दीलियां हुण हो रही ने इहदे मायने कुछ होर लिते जा रहे ने, मायने निकल के सामने भी आ रहे ने, खबरां भी नशर हो रही। बेसिकली गल इस तरह हैगी है कि जो पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी एडा वड्डा मैंडेट लैके आई, 92 सीटां लैके आई, लोगों दीआं उन्नीआं इच्छावां वध जांदीआं, जिन्नी ज़्यादा वोट पई होवे, जिन्ने विधायक और जिन्ने तुहाडे मैंबर पार्लियामेंट जित के आए होण, ते लोगों दीआं इच्छावां भी उस हिसाब नाल वधदीआं। ते जे पंजाब दे विच जे आपां गल कहीए कि हुण मान लो 2022 दे विच 92 सीटां जिहड़ियां आम आदमी पार्टी ने जित्तीआं, 117 दे विचों 92 लै गए ते 25 बाहर गईआं, तो 92 सीटां जिन्हां नूं मिलियां उन्हां दे प्रति पंजाब दी आवाम ने जिहड़ी उन्हां कोलों उन्नीआं इच्छावां वध लैणियां। हर एक बंदे दा मन हुंदा कि मैं आम आदमी पार्टी नूं वोट पाई है ते आम आदमी पार्टी मेरा काम भी करे, क्योंकि ये बदलाव वाली पार्टी सी, बदलाव दा नारा दे के आई सी कि बेअदबियां दे उत्ते काम कीते जाणगे, बेअदबियां दे दोषियां नूं फड़ के अंदर दित्ता जाएगा, और जिहड़ा ड्रग जिहड़ी आ नशा उह खत्म कीता जाएगा, सारे होर भी जड़े सी भ्रष्टाचार खत्म किया जाएगा जमीनी पद्धर दे उत्ते। नो डाउट सरकार जदों बनी, सरकार ने आके करप्शन दे उत्ते 0 टॉलरेंस भी रखी, ये कोई शक नहीं है। पंजाब सरकार वालों टॉल फ्री नंबर भी जारी किया गया, लोगों ने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजियां और उस कार्रवाई भी हुई, लेकिन नाल दी नाल लोगों के विच जिहड़ी लोगों के विच है सत्ता विरोधी लहर भी खड़ी हुंदी है, क्योंकि कोई भी हकूमत चाहे जिन्ना मर्जी काम कर ले लंबा, वो हकूमत जिहड़ी है उनके खिलाफ हिंदुस्तान दे अवाम दी साइकोलॉजी है कि अपने आप एंटी इनकमेंसी खड़ी हो जाती है। हुण जिहड़ियां चोणां बीतियां लोक सभा दीआं जून दे विच, तुसीं वेख्या होणा आम आदमी पार्टी सिर्फ 32 सैगमेंट विधानसभा दीआं, उहनां दे विच जित प्राप्त कीती उन्होंने, ते 3 लोकसभा मैंबर पार्लियामेंट जीते आ। तो कितने ना कि पार्टी नूं, संगठन नूं
ये जरूरत महसूस होंदी है, सरकार च भी जरूरत महसूस होंदी है कि इनू नवी रंगत दिती जावे, नवी शेप दिती जावे, तां कि इनू आपां एक नवे तरीके नाल गल करिए, आके नवे मंत्री दिते जाण, चेहरे नवे अगे लियांदे जाण, लोकां दे विच लिया के एक परिवर्तन दिखाया जावे, तो उनू सरकार दे विच जिहड़ी सत्ता की विरोधी लहर है उनू खत्म किया जाए। हुण मैं तुहानू इहदी एग्जाम्पल देना, मनोहर लाल खट्टर हरियाणे दे सीएम सी, उन्होंने हटा के नैब सिंह सैनी नू बनाया गया। हालांकि खट्टर बहुत काबल और नॉन कंट्रावर्शियल ईमानदार हुकूमत दे सीएम सी, नैब सिंह सैनी नू क्यों लिया गया, क्यों एहो जी शख्सियत नू उतारिया गया, ताकि जिहड़ी सत्ता की विरोधी लहर है हरियाणे च उहनू खुंड कर दई है, उहदे विच लोकां नू तोड़ दई है। लोकां दी नाराजगी खट्टर सरकार नाल 9-9.5 साल की हुई हुई है, उहनू तोड़न की कोशिश की गई, वो टुटी भी, नायब सिंह सैनी दी लीडरशिप चोन लड़ी गई, सरकार बन गई हरियाणे 39.9% 9.0% अराउंड करीब असी 40% वोट लै गए, पर कांग्रेस तो 0.8% ज़्यादा, लेकिन 40% वोट लिजाना भी एक अपने आप बड़ी वड्डी गल है कि जो तुसी 10 साल एक सूबे हुकूमत कर चुके हो। सो इदा दियाँ एग्जाम्पल पंजाब भी ट्राई की गई, पंजाब दे विच तुसी देखो, तुहानू याद होएगा दौर शायद, मतलब तुसी उदो नहीं पत्रकारिता दे विच आए होवोगे, कि जदों पंजाब दे विच 92 दे विच सरदार बेअंत सिंह दी सरकार बनी, ते उन्हां दा जदों उत्थे कतल कीता गया सैक्रेटरीएट दे विच, ते उस तो बाद उन्हां दी जगह दे उत्ते हरचरण सिंह बराड़ नूं पंजाब दा मुख्यमंत्री लाया, और लेकिन वो एंटी इनकंबेंसी इन्नी क वध गई हुई सी उन्हां दे, हरचरण सिंह बराड़ दे भी, क्योंकि वह भी एक महाराजा कल्चर दे सीगे, राज घराणियां चों ही सीगे, ते आखिरकार बीबी रजिंदर कौर पट्ठल नूं चोणां तो पहला पंजाब दा मुख्यमंत्री लाना पिया, और उन्हूं एंटी इनकंबेंसी नूं तोड़न की कोशिश की गई। यही कांग्रेस ने फार्मूला 2021 भी लाया, कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगेंस्ट जिहड़ी एंटी इनकंबेंसी तेजी नाल वधी जा रही सी लगातार, आखिरकार उहनू तोड़न लई पंजाब दे MLA ने हाईकमान को जाके चीकां मारियां, लिस्टां लैके गए कि पंजाब दे विच आवाम बहुत खिलाफ हो रही है साडे, असीं लोकां नू की जवाब देवांगे, चोणां सिर ते ने। वो एंटी इनकंबेंसी नू तोड़न लई कैप्टन अमरिंदर सिंह नू कुर्सी तो ला के चरणजीत सिंह चन्नी नू बनाया गया। सो किते ना किते ये परिवर्तन चलता है और ये एक्सपैरीमेंट किए जाते हैं। ठीक है बई जड़ा CM की कुर्सी ना सही, होर जड़े CM दे लागे दे हुंदे है, चीफ सैकटरी हो गया या होर जड़े ऑफिसर्स हैगे है, उस तो अलावा जे आपां कहीए पंजाब दे मंत्री है, 4 मंत्री गए ने, 5 नवे आए ने। सो हुण जिवें चीफ सैकटरी आए ने, वो नवें नवें आके देखणगे बई मतलब किहड़े जिले च किहड़ा DC लगना चाहिए, किहदी वर्किंग टॉप दी आ, क्योंकि उन्हों हुण पुराणियां नाल कोई मतलब नहीं, कैप सिन्हा इज़ ए इंटैलीजेंट ऑफिसर, उन्हों पुराणियां नाल कोई मतलब नहीं गा, उन्हें नवें सिरों आके नवी रूपरेखा नवें पेन नाल नवीं कागजां दे उत्ते व्यूंतबंदी करनी है पंजाब दी। कई साडे केंद्र सरकार दे नाल कई कन्फलिक्ट चल रहे ने, कई जगह बिगाड़ चल रहा, कोई जिहड़ा वा उहदे करके जिहड़ा वो भी हैगा कि कैप सिन्हा जिहड़े आ उन्हां नूं लग्गिया कि इन्हां नूं लियाओ दिल्ली नाल राफ्ता शायद सही होवे केंद्र सरकार, क्योंकि असी सरहदी सूबा वा, सानू बहुत चीज़ां दी लोड़ है। सो कहण दा मेरा मकसद ये हैगा कि सरकार दी वर्किंग स्टाइल नूं बदलन लई ये उपराले किए जाते हैं। एक्सपैरीमेंट जरूर इनू कहा, पर जो विरोधी ने वो साफ कह रहे कि दिल्ली का शिकंजा पंजाब सरकार से कसदा जा रहा है, पंजाब सरकार थोड़ी ज़्यादा कठपुतली बनती जा रही है, किवें देखते हो? नहीं, कठपुतली नहीं होंगी की, तुसी मैनू ये दसो, जिवें मान लो खेतरवादी पार्टी आप छड़ दईए अकाली दल नू, कि भारतीय जनता पार्टी च नहीं होया? मैनू याद है मनोरंजन कालिया पंजाब के लोकल बॉडी मिनिस्टर सीगे, अचानक फरमान आया कि तुसी चेंज किए जाते हो, तीक्षण सूद नू लोकल बॉडी मिनिस्टर लाता गया, 2011 फरमान आया, बदल दिते गए सारे। ये नहीं हुंदा, ये मतलब दिल्ली तो ही आया ना मैसेज, भाई हाई BJP लीडरशिप ने कहा बदल दियो, बदलता। कांग्रेस की भी गल करो, क्योंकि प्रताप बाजवा डट के बोलते पे, प्रताप बाजवा बोलते पे ना, सियासी बयान है, लेकिन ये बयान मैनू ये दसो, प्रताप बाजवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सके, मैं प्रताप बाजवा जी नूं पुछ लैना, तुसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सके,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ 2017 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਤਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨਾ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਸਵੇਰੇ ਕੌਣ ਕੌਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ ਕਿ ਆਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋਏ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀਪੱਖ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਚਲੋ ਦੱਸਣ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀਪੱਖ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣੋਗੇ ਤੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਮਖਸੂਸ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SYL ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਆ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਡਰੱਗ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਲੱਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਆ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਯੂਰੀਆ DAP ਵਕਤ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ BJP ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ
ठीक है साढ़े हरियाणे दे नाल चलती पई है, चंडीगढ़ करके चलती पई है, SYL करके चलती पई है, साढ़े मसले उन्हां नाल चलते पे, साढ़े मसले केंद्र सरकार नाल भी चलते पे आ, ये चलते ही रहिंदे हुंदे जदों सरकारां चलनियां गुआंढी राज्यां नाल, हुण साढ़े मध्य प्रदेश नाल भी चलते पे आ। मध्य प्रदेश तो कितना वैपन आ रहा, कितना हथियार आ रहा, तुसीं ये दसो, सारा वैपन जिहड़ा वा मध्य प्रदेश तो इत्थे कितना वैपन आ रहा, कितना फड़िया जा रहा, सारे मेड इन जिहड़े आ उह मध्य प्रदेश आ रहे ने, और पंजाब पुलिस दी एजेंसियां फड़दियां पईयां लगातार, पंजाब पिस्टल फड़े जा रहे आ। आ रोज़ गौरव यादव साहब DGP आ पंजाब दे, डेली ट्वीट आ रहा इन्ना पिस्टल मध्य प्रदेश का फड़िया जा रहा, पुलिस वर्किंग करती पई है। साडियां समस्यावां इह हैगियां, समाडियां समस्यावां जिहड़ियां असीं जे गुड़गांव वांगू हो जाईए फिर तां गल्लां ही कादियां बाई जी, फिर तां साडा जिहड़ा गुड़गांव इह बन जाए फिर तां रेवन्यू ही उन्ना का आ जाए कि असीं पूरा पंजाब की 10 पंजाब चला लईए। लेकिन गल ये है कि असी देश के दे कोने च बैठे, पंजाब च लगता कि असी बहुत खुशहाल हाँ, बहुत ठीक हाँ, लेकिन जो तुम तो स्टेट से जाके पंजाब वाल देखोगे, पंजाब एड्डा क छोटा जहा, तो वह भी जोड़ा बॉडर के उत्ते लाइन बन के खड़ा, तो बड़ी वीड्डी गल हों साडियां समस्यावान अलग है। हाँ जिथे तक ताकि पंजाब सरकार की गल है, पंजाब सरकार के बदलाव की गल है, ये बदलाव जोड़े है जो वर्किंग ठीक करना हो थले तक जिहड़ी है अपने हुक्म नूं जमीनी पद्धर तक ठोक के पहुँचाने होण, ते लोकां दी जिहड़ी फीडबैक है वो लिती जावे भाई ये काम जमीनी पद्धर ते नहीं हो रहे, लोकां दे काम अदालतां इत्थे मतलब तहसीलां च नहीं हो रहे, लोकां दे काम कारपोरेशनां च नहीं हो रहे, बदलाव तां कीता जाएगा, फिर पार्टी रिकमेंड करदी है। सोशल मीडिया का एक वर्ग है जिहड़ा इस तब्दीली नूं धक्का कह रहा है, हुण तुसीं दसो कि यह लाजमी है जरूरी एक तब्दीली है कि एक धक्का आ? नहीं धक्का नहीं मैं कह सकता, इनू धक्का किवें हो सकता यार, धक्का कि मैनू ये दसो धक्का किवें हो सकता, मैं इनू धक्का इस करके नहीं कह सकता क्योंकि पार्टी सदा सुप्रीम हुंदी है। ये जिहड़ी दूजी जिहड़ी गल है, हाँ कि जे वो काम सही हो रहे होण फिर बदलाव किया जाए तो फिर मैं कहना धक्का, तो जे लोग पंजाब दे कह दें कि असी 2.5 साल तो सैटिस्फाई हाँ, काम बहुत चंगे होए ने, जमीनी पद्धर दे उत्ते सानू इंसाफ मिलना शुरू हो गया, जमीनी पद्धर दे उत्ते करप्शन बंद हो गई है, अज फड़िया गया फगवाड़े दा SHO जतिंदर कुमार 50,000 रुपये लैंदा वो भी ड्रग केस चो, ठीक है ना। ये मैं कहना पिया गल तो ये है ना बदलाव की गल, जे ये चीज़ा जिहड़ियां अज 2.5 साल नहीं बदल सकियां फिर किते ना किते पार्टियां हुकूमत रल के एक्सपैरीमेंट कर दियाँ कि असी चेंज करिए, हुण अज तहसीलों च चले जाओ देखो जाके पटवारी की करते पे ने, की करते पे ने, हालात की बनाए हुए ने, जाके देखो, जाके देखो तुसी आ जिहड़े डिवेलपमेंट ऑफिसर्स ऑफिसिज ने की हालात ने उत्थे दे, सारा कुछ उत्थे बिना पे तो किते हो ही नहीं रहा। लेकिन इहदे लई फिर तुहानू एक नवे जिन्हों आप कही रंग रूप दे विच मतलब लियाना पैना ताकि थले दी ब्यूरोक्रेसी तक ये मैसेज जावे, आवाज़ ठोक के जावे कि बाई जी हुण तां काम इदां होना, बाई जी वो काम पुराना निकल गया कि आपां जिहड़े निशान ला के भेज दें तो तुहाडियां पैसे तुसीं कट्टी जांदे हो। बड़ा चेंज है क्योंकि आवाम ने, पंजाब की आवाम ने बहुत ज़्यादा मैंडेट आम आदमी पार्टी नूं दित्ता, तो आम आदमी पार्टी लई इह चुनौती भी हुंदी है, एक चुनौती भी हुंदी है। 32 सीटां दे उत्ते सैगमेंट ते तुसी जित्ती हुई है कि पार्टी नूं फिकर नहीं होगा, कि पंजाब सरकार नूं फिकर नहीं होगा बई इसका मतलब असी कित्थे फेल हो रहे हैं, बई लोकां तक इस दा जस्टिस डिलीवर नहीं हो रहा, लोग फेल हो रहे हैं, असी लोकां नूं जिहड़ी है करप्शन तो राहत नहीं मिल रही हैगी, इदा मतलब लोकां दे लोग जे खुश होंदे फिर मैं कहना 13 मैंबर पार्लीमेंट जितदे शायद बदलाव ना आंदा, शायद ना चेंज किए जाते। लेकिन गल ये है ना जिदा क्योंकि हुण देखो सिर्फ 2.5 साल है, डेढ़ साल नूं आपां कढ दईए ते लास्ट ईयर तां इलैक्शन दा हुंदा, उहदे च तां कोई तुसीं किसे दी गल नहीं करदा, ते आ 1.5 साल दे विच जो तुसीं कर देना, जो आम आदमी पार्टी ने दिखा देना पंजाब, वो आखिरले साल ट्रैवल करना। तो मैं तुहानूं सीधी जी पंजाबी च कह दां कि हुण उन्होंने अपनी इलैक्शन मोड च शुरू हो गए आ, अपनी उल्टी गिनती उन्होंने शुरू कर ली है। आने वाला समा की कुछ लैके आएगा, किहड़े वड्डे फैसले किए जाते हैं नहीं किए जाते वक्त दसेगा, जो भी होएगा दसदे रहांगे, बने रहो वन इंडिया पंजाबी ते।